सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस डेट है आज 2 जुलाई 2023, टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे और आप पीछे व्यूज देख सकते हो कितने ज्यादा ऑसम व्यूज है। और अभी हम तैयार हो रहे हैं सुबह सुबह और अभी जाएंगे, अभी हम यहाँ नीचे रक्षा में फोटोज वगैरह खिंचवाएंगे, फिर हम जाएंगे रामपुर, नारकंडा, शिमला, कुफरी होते हुए चंडीगढ़ वापस। तो अपनी गाड़ी है, सुबह सुबह गर्म होने लग गई है, अभी फिर से गाड़ी में सारा सामान पैक करेंगे और फिर चलेंगे आगे। सो गाइस ये देखो कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, कि मतलब कैसे भाप बन बन के उड़ रही है सामने, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और ये हमारा होम स्टे था जहाँ हम रुके हैं, ठीक है, टेक्नो होम स्टे, नंबर वगैरह सामने दिए गए हैं। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में और फिर से जो गाड़ी है लोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो सुबह सुबह हमको हर रोज गाड़ी सेट करनी पड़ती है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। दूर होके बना, पूरी साइड दे, मैं रख दूंगा, तू दूर होके वीडियो बना ले बस। तो गाइज रूम्स को हमने चेकआउट कर दिया अच्छे से, साफ सफाई करके, कोई सामान छोड़ा नहीं है, दो दो बार चेक कर लिया। और ऐसे कुछ व्यूज है गाड़ी में भी, अब सारा सामान लोड हो गया अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। व्यूज देखो यार, ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे सुबह सुबह। और अब निकल रहे आगे, टाइम हो रहा है 6:35। अब यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम एग्जैक्टली हो रहा है 6:40। और ये खड़ी अपनी गाड़ी और अब चलते आगे। तो गाइस गाड़ी में से देखो कितने सुंदर व्यूज आ रहे हैं, सामने पहाड़ देखो पूरे बर्फ वाले। और आज मुझे लगता है रास्ते में काफी ज्यादा धुंधे मिलने वाली है, क्योंकि नीचे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा धुंधे देखने को मिल रही है। तो गाइस निकल पड़े हैं रक्षम से, सांगला यहाँ से अप्रोक्सीमेट 18 किलोमीटर दूर है। और ये आप देख सकते हो कि जो फॉग है कितनी ज्यादा हो गई, आज ठंड काफी ज्यादा है बाहर, पूरा शीशा भी फॉग से भर गया है और बाहर भी पूरी फॉग ही फॉग है। तो कितनी ज्यादा है जो धुंध हो चुकी है, अभी मुझे लगता है हल्की हल्की जो बारिश है वही होगी, उसकी वजह से ना पूरी फॉग है ये बन गई है। तो अब हम चलाएंगे जन्नत में, सड़कों की कंडीशन खराब है, फॉग पड़ी हुई है। तो ये पूरा रास्ता देखो, जो आपको रास्ता तो वही है जो कल दिखाया था, टूटा हुआ पूरा। और साइड में जो है रिवर चल रही है जहाँ पे अभी अभी हमने फोटोज खिंचवाई, और फॉग ही फॉग है। लेकिन ये है कि सड़कों पे विजिबिलिटी अच्छी है, फॉग सिर्फ साइड में हवा में है, सड़कों पे विजिबिलिटी में कोई कमी नहीं है, जैसे कि आपको कैमरे में भी दिख ही रहा होगा कि सड़कों पे अच्छी खासी विजिबिलिटी है। ये देखो पूरा रक्षम विलेज यहाँ पे, काफी अच्छा ये विलेज है, ऑफ बीट विलेज है पूरा। अगर आप रुकना चाहे तो आपके लिए भी यहाँ पे रहने के लिए, और मतलब अच्छे एक यूनिक एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी, खेती, लोकल लोग और लोकल फूड काफी ज्यादा अवेलेबल है। और व्यूज तो आप देख ही सकते हो कितने ज्यादा औसम है यहाँ पे। गाइस यहाँ से व्यूज देखो आप कितने ज्यादा ही अमेजिंग है, सड़क देखो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है और साइड में व्यूज तो वाओ ब्यूटी। तो इन्हीं व्यूज के लिए हम पहाड़ों में आते हैं, जगह पे पहुंचने के बाद तो ऐसे कुछ खास देखने लायक है नहीं, बस इन्हीं व्यूज और पहाड़ों के लिए हम यहाँ इतनी ऊपर ड्राइव करके इतना दूर दूर आते हैं। अब तक हमारी 1000 किलोमीटर की जो ट्रिप है पूरी हो चुकी है, 1500 किलोमीटर की पूरी ट्रिप थी, 1000 किलोमीटर कम्प्लीट हो चुके हैं। आज जो घर जाते जाते हमारी जो 500 किलोमीटर की राइड है और हो जाएगी, तो पूरी 1500 किलोमीटर की जो हमारी ट्रिप है पूरी हो जाएगी। और सामने आप व्यूज मतलब देखते रहो यार, आपको कैमरा में देख के इतना सुंदर लग रहा होगा तो सोचो कि आंखों से नजारे कितने ज्यादा सुंदर होंगे। और जो ये हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही है ना, वो तो और भी ज्यादा अमेजिंग है। 256 जीबी कैपेसिटी है, आईफोन था सारा बंद नहीं होना, टाइम से फोन आ गया। गाइस सांगला के बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं, अभी जो टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं। तो और जो नीचे जाना है अभी मेन रोड पे हम पकड़ेंगे खरचम डैम के पास, नेशनल हाईवे 505। तो देखते हैं कितना ज्यादा टाइम लगेगा और नीचे जाने में, फिलहाल तो हम पहुंच चुके हैं सांगला में। अब जो सांगला के बाद है थोड़ी सी सड़क ठीक होती है 5-6 किलोमीटर के लिए, उसके बाद फिर से खराब आती है। खरचम डैम तक तो सड़क ऑलमोस्ट सारी खराब ही है, तो आप उम्मीद ना करें अच्छी सड़कों की। और यहाँ पे देखो सुबह सुबह लोग वॉक पे निकले अपने कुत्तों को लेके।
सो गाइस फाइनली है जो करचम पहुंच चुके हैं। अब करचम से हम पकड़ेंगे मेन रोड हाईवे वाली जो NH 5050 है। टाइम हो रहा है 9:15 और बहुत जल्दी काफी इजिली हम नीचे पहुंच चुके हैं। सड़कें तो काफी ज्यादा खराब हैं लेकिन फिर भी इतनी खराब नहीं है। और यहाँ पे आपको रास्ते में ऐसे बहुत से लोग दिखते रहेंगे जो अपनी गायें और ये बकरियां वगैरह चराते हैं। और आप देख सकते हैं सामने पानी कितना ऊपर है। ये पानी देख सकते हैं कि चितकुल में हम जहाँ तक गए थे ना वहां से यहाँ नीचे तक आ रहा है हमारे साथ साथ ही। तो ये भी काफी सुंदर व्यू है। और आप देख सकते हैं कि धूप भी अच्छी खासी निकल चुकी है और अब हम बहुत ज्यादा हाइट से ना बहुत नीचे आ चुके हैं। तो गाइस मेन हाईवे पे चढ़ चुके हैं और आपको जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा होगा जो चंडीगढ़ बचा है 331 किलोमीटर बचा है और शिमला यहाँ से 208 किलोमीटर बचा है। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे रामपुर, रामपुर से होते हुए हम जाएंगे नारकंडा, नारकंडा से होते हुए कुफरी, शिमला और फिर चंडीगढ़। टाइम अप्रोक्सीमेट 9:15 है। देखते हैं कि सारी जगह हम कितनी कितनी देर में कवर कर लेंगे और हाईवेज कैसे होंगे पूरी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। फिर से एक बार है ना जो बहुत ही अच्छे हाईवे थे स्टार्ट हो चुके हैं। बीच में अगर कोई पैच टूटा आएगा आप तो आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज आपको जो मेन मेन शहर है वही वाला रास्ता दिखाने वाला हूं। सो गाइस खरचम डैम से लेके जो पूरा रास्ता है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो फिलहाल तो ये सड़कें काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है तो आपके लिए एक पूरा टाइम लैप्स बना दिया ताकि आप भी सारी सड़कें देख सके। डबल लेन हाईवे अच्छे से, कहीं पे भी ज़्यादा टूटे हुए पैच नहीं है। व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, ट्रैफिक भी ऑलमोस्ट जीरो है। जो ट्रैफिक मेनली शुरू होता है ना वो नारकंडा के बाद रामपुर से जो ट्रैफिक है वो शुरू हो जाता है, फिर नारकंडा से और बढ़ जाता है और शिमला में जाके तो ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको यही बेनिफिट है कि अभी जो देख सकते हैं कि पूरी सड़कें ए टू जेड खाली पड़ी हैं और सड़कें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ पर हम जो गाड़ी आराम से 40-50 की स्पीड में चला पा रहे हैं। स्पीड लिमिट भी यहाँ पे जो है 55 की है तो आराम से एंजॉय करते हुए चलाइए। सो गाइस जो शिमला बचा है यहाँ से सिर्फ 177 किलोमीटर बचा है और रामपुर बचा है 47 किलोमीटर। तो जहाँ पे आपको ये बोर्ड दिखेगा ना रामपुर 47 किलोमीटर, वहाँ से जो सड़कें हैं वो टूटी हुई स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये सड़क के काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में टूटी हुई थी, बीच बीच में सही थी, बट पहले जैसे बढ़िया हाईवे थे वैसी सड़कें नहीं हैं। तो आपको भी बस यही ध्यान रखना है कि जैसे आपको ये रामपुर वाला बोर्ड दिखेगा जहाँ से 47 किलोमीटर बचता है तो ये लास्ट के 40-50 किलोमीटर रामपुर तक काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं, जैसे कि आप टाइम लैप्स में भी देख रहे हैं। बीच में जो थोड़ा सा आपकी जो सिंगल रोड आ चुकी है ये काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई है, मतलब 5-7 किलोमीटर हो चुके हैं। तो बिल्कुल छोटा सा पैच है जो आपको बिल्कुल अब तक देखने को मिला है जो टूटा हुआ है। और यहाँ पे लैंडस्लाइड भी काफ़ी हो रखी है, अभी रिसेंटली मुझे लगता हुई है जो क्लियर की गई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पत्थर भी सड़क पे पड़े हैं। तो आप यहाँ पे बस थोड़ा ध्यान रखिए और यहाँ पे जो रोड है सिंगल रोड है और टूटी हुई है। तो देखते हैं ये वाली जो सड़क है हमको कहाँ तक मिलेगी। ये हमको सड़क तब मिली जब बोर्ड पे लिखा हुआ था कि रामपुर 47 किलोमीटर, उसके बाद से जो सड़क है एकदम टूटी हुई है और सिंगल सड़क हो गई है। ट्रैफिक भी इस रोड पे कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन तो गाइस ये सड़क है जो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो बीच बीच में ये मतलब कि अब जो रामपुर तक जो सड़क है वो लग रही है ख़राब ही है पूरी। एक सिंगल रोड तो है ही थी पहले, सड़क तो थी लेकिन अब वो सड़क भी नहीं है, मिट्टी मिट्टी है पूरी। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो सड़क का चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश हुई होगी तो सारी जो सड़क थी वो मिट्टी में तब्दील हो गई। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रैफिक है और खराब सड़कों का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। पुलिस भी खड़ी है यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। तो आप देख ही पा रहे हैं कि रोड की कंडीशंस क्या है आपके सामने। तो गाइस जो सड़कें हैं लगातार काफी ज्यादा खराब ही है सड़कों की कंडीशन इस वाली साइड में। और अभी एक सामने चेक पोस्ट भी आया है तो अपने गाड़ी वगैरह के जो कागज वगैरह पूरे रखना क्योंकि यहाँ पे आपकी चेकिंग वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पे कोई बैठा तो नहीं है रोकने के लिए। तो गाइस देखो ये सड़क की कंडीशन है जो और खराब होती जा रही है और यहाँ पे तो मतलब और भी पतली हो गई है, पूरा चिकड़ चिकड़ भी है क्योंकि इस रोड पे ना जो वाटरफॉल्स है वो काफी ज्यादा है। जैसे ये वाले ना आपको काफी ज्यादा वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो मतलब रूट तो अच्छा है लेकिन सड़कों की कंडीशन खराब है और गीली गीली भी है। अभी तो मतलब बारिश भी नहीं हुई है तो भी सारी सड़कें ऑलमोस्ट गीली हैं, चीकड़ काफी ज्यादा हो रखा है। अगर किसी दिन बारिश हो जाएगी तो ये रूट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो गाइस ये लंच के लिए रुके हम, ठीक है यहाँ पे चाय आ चुकी है। तो गाइस लंच करके आगे निकल पड़े, टाइम हो रहा है 11:15। अभी भी जो रामपुर है अप्रोक्सीमेट 20-25 किलोमीटर दूर बचा हुआ है।
रामपुर बचा है यहाँ से 24, शिमला बचा है 153 किलोमीटर और सड़कें वैसे ही टूटी हुई हैं पूरी और खराब है सिंगल रोड। झाकड़ी आके झाकड़ी विलेज से है जो सड़कें फिर से ठीक हुई है, उससे पहले तक जो सड़कें ऑलमोस्ट सारी खराब थी, एकदम टूटी हुई, बहुत ज्यादा संभल के और टाइम लग रहा था सड़कों पे। झाकड़ी विलेज क्रॉस करते ही फिर से ये जो सड़कें एकदम अच्छी आई हैं, तो अब देखते हैं सड़कें कहाँ तक दोबारा अच्छी चलने वाली है। टाइम सड़क खराब हो गई ना, ना 70 मिनट 1.5 घंटा ठीक था। क्यों साला फाइनली पहुंच चुके हैं रामपुर में, ये है रामपुर और जो अभी टाइम हो रहा है पूरे 12 बज रहे हैं, तो सुबह चले थे 7:30 बजे के करीब और 12 बजे पहुंचे हैं रामपुर। फिर यहाँ पे जो रामपुर का बस स्टैंड जहाँ से आप पकड़ सकते हो शिमला वगैरह के लिए बस, यहाँ पे जो बस कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, देखो आपको दिख भी रहा है लालसा से रामपुर, तो यहाँ पे जो बस कनेक्टिविटी है ना सब जगह के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ से शिमला बचा है जो सिर्फ 100 किलोमीटर बचा है, नारकंडा के पास पहुंचने वाले हैं। सड़कें फिर से एक बार अच्छी हो चुकी है, इधर आइए भैया, भैया इधर आइए एक मिनट छोड़ दो। नारकंडा आने वाला है, नारकंडा यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर और बचा है, तो यहाँ पे भी जो सड़कें सही है, नई अभी अभी न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है सभी सड़कों की, पीछे भी जो सड़कें अभी अभी बन रही थी। मौसम भी काफी ज्यादा सही हो गया, व्यूज भी एकदम घने जंगल के बीच में चल रहे हैं ऐसा लग रहा है, काफी ऊंचे ऊंचे जो पेड़ है वो देखने को मिल रहे हैं साइड में। सो गाइस फाइनली है जो हम नारकंडा में पहुंच चुके हैं, ये नारकंडा शहर, यहाँ से जो शिमला बचा है सिर्फ 64 किलोमीटर बचा है, तो देखते हैं अभी हम शिमला कितनी देर में पहुंच जाएंगे। टाइम हो रहा है अभी 1:50, नारकंडा से निकल रहे हैं शिमला के लिए। सड़कें काफी ज्यादा सुंदर है और साइड में आपको वैली दिखाता हूँ कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं व्यूज। यहाँ पे जो काफी ज्यादा फ्रूट्स की खेती होती है, यहाँ पे हमको पहाड़ों के ऊपर ना फ्रूट्स की खेती दिख रही है, जिसके ऊपर सारे नेट वेट भी डाल रखे है ताकि जो पेड़ वगैरह खराब ना हो, और सड़कें अच्छी है यहाँ पे अभी फिलहाल। तो नारकंडा से निकलने के बाद डबल लेन हाईवे दिख रहा है हमको और सड़क अच्छी भी है। तो गाइस आप सड़कें देख सकते हैं कितनी ज्यादा सही है यहाँ पे, तो नारकंडा से लेके अब चंडीगढ़ तक शायद ऐसी ही बढ़िया सड़कें मिलने वाली है। और सामने आप देख सकते हैं कि जो एप्पल के जितने भी पेड़ हैं यहाँ पे खेती है सबके ऊपर यहाँ पे नेट डाला हुआ है, तो वो भी एक बहुत ज्यादा सुंदर व्यू लग रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो बाहर सामने कितना ज्यादा सुंदर व्यू आ रहा है और सड़कें भी एकदम औसम है, बस यहाँ पे जो मोड़ है काफी ज्यादा है तो बहुत ध्यान से और धीरे धीरे ड्राइव करना पड़ता है, पूरा पहाड़ों वाला जो फील है आपको यहाँ आ जाएगा, क्योंकि
हर 10 सेकंड में एक मोड है, तो पूरी गाड़ी है जो गोल गोल घूमती है हर मोड के ऊपर। बाकी व्यूज आपको देखने को औसम ही मिलेंगे, काफी ज्यादा हाइट पे। अभी भी हवा ठंडी चल रही है लेकिन धूप काफी तेज पड़ रही है। तो गाइस सामने देख सकते हो यहाँ पे पूरा, ये देखो कैसे पेड़ों के ऊपर यहाँ पे जो नेट है पूरे डाल रखे हैं। पता नहीं नेट डालने भी कितने ज्यादा मुश्किल होते होंगे ना, कैसे डालते होंगे इतनी हाइट पे जाके। और एक वाटरफॉल आया है यहाँ पे जो आपको अभी दिखेगा। तो रास्ते में ऐसे काफी सारे जो वाटरफॉल वगैरह आते रहते हैं। यहाँ बिल्कुल सामने वाटरफॉल टूटीली कर रही है और ये रहा सामने नेट पूरे, और सामने आप बादल वगैरह भी देख सकते हो कितने ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। अभी आपको शिमला यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर बचा है, तो आपको यहाँ पे शिमला के घर भी दिखाएंगे। शिमला से जो व्यूज आते हैं ना वो बहुत ज्यादा सुंदर आते हैं, क्योंकि वो जो हिमाचल प्रदेश की शिमला क्या है, कैपिटल है, आप सबको पता ही होगा वैसे तो। सो गाइस टाइम हो रहा है 3:15 और कुफरी पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं और लोकेशन देख सकते हैं। कुफरी में जो ठंड है काफी ज्यादा है, पूरी फॉगी फॉग हो रखी है। गाइस ये है कुफरी और यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं, और मौसम आप देख सकते हैं कि कैसा हो रहा है। तो गाइस कुफरी पहुंच के जो ट्रैफिक है वो जाम लग गया है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अप्रोक्सीमेट आधा घंटा हो चुका है लाइन में खड़े हुए, लेकिन अब तक जो जाम है वो नहीं खुला है। सो गाइस यहाँ से जो चंडीगढ़ रह गया है 134 किलोमीटर रह गया है, और टाइम हो रहा है 4:20। चंडीगढ़ वास्ते कुफरी के बाद ये कोई टनल आई है छोटी सी, तो ये टनल क्रॉस करके देखते हैं हम कहाँ पे निकलेंगे। इसमें तो लोग पैदल भी चल रहे हैं। तो गाइस अभी टनल से बाहर हम निकल रहे हैं, तो अभी शायद जो चंडीगढ़ वाला रास्ता है ना वो बन रहा है, तो हमको शायद शिमला होके ही जाना पड़ेगा। तो गाइस सामने घर देख सकते हैं ऑलमोस्ट शिमला, कितने ज्यादा सुंदर ये घर लग रहे हैं। ऑलमोस्ट शिमला पहुंचने वाले हैं, 4-5 किलोमीटर और बचा है डिस्टेंस, और ये मेन मार्केट से होते हुए जा रहे हैं। सामने घर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यहाँ पे आपको जो ट्रैफिक है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जून जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना, तो इसलिए काफी ज्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां वगैरह है, तो लोग यहाँ पे इस टाइम पे शिमला और कुफरी घूमने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। तो गाइस शिमला से निकल चुके हैं, टाइम हो रहा है अप्रोक्सीमेट 4:40 और शिमला से निकल चुके हैं। अब देखते हैं कि चंडीगढ़ हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे। और सड़कों की कंडीशन आप देख सकते हैं, शिमला शहर में सिंगल रोड है, ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है। वेट कर रहे हैं कि कब जो हाईवे है वो आएगा, लेकिन शिमला शहर में अभी ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है। ठंड आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी है, यहाँ पे धुंध पड़ी हुई है और ट्रैफिक तो बहुत है। यहाँ से जो चंडीगढ़ बचा है 110 किलोमीटर बचा है, और दिल्ली यहाँ से बचा है 340 किलोमीटर दूर।
सो गाइज फाइनली शिमले से 10 किलोमीटर आगे आने के बाद जो हमारा हाईवे है वो शुरू हो चुका है। अब यहाँ से लेके जो चंडीगढ़ तक ऐसे ही डबल लेन हाईवे रहने वाला है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो टाइम हो रहा है अभी 5:35 हो रहे हैं, तो लगभग हम 8:30 के आसपास है जो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। ये हमारा एस्टिमेटेड टाइम है, बाकी हम देखते हैं कि कितने टाइम पे पहुंचेंगे। हाईवे देख सकते हो कि आप 4 लेन हाईवे है, कितना सुंदर। और अगर कोई टूटा हुआ पैच आएगा तो आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज आप इंजॉय करिए जो पूरा हाईवे है। छोटा सा टाइम लैप्स बनाता हूं आपके लिए ताकि आप और भी अच्छे से हाईवे को जो देख सके। गाइस सोलन के बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं, ये है सोलन बस स्टैंड। गाइस टाइम हो रहा है शाम के 7:30 और फाइनली ये जो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, यहाँ से मुड़ते ही जो चंडीगढ़ आ जाएगा। फाइनली एंटर कर चुके हैं चंडीगढ़ शहर में, देख सकते हैं कितनी अमेजिंग सड़कें और हरा भरा शहर है हमारा। तो चंडीगढ़ की अपनी वाइब है, कहीं भी जाके आ जाओ लेकिन चंडीगढ़ जैसा कोई शहर नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी और ट्रिप पे, तब तक के लिए बाय बाय। खड़ जो खड़ो तुसी अज स्नैपचैट बना लंदे सिकनी है।